all psycho. Hey guys, Instagram रील पर फिलहाल इस टाइप का जो रील है ना वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपको इस टाइप का रील एडिट कर Instagram रील पर अपलोड कर देना तो जल्दी से एडिटिंग सीख लो एंड जल्दी से जाकर अपलोड कर दो, क्योंकि फिलहाल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप जैसे इसे अपलोड कर दोगे आपका जो रील है ना वो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी कैपकट की, जो कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा क्योंकि बैन हो गया है इंडिया में। तो आपको क्या कर लेना है, गूगल पर जाना है, सर्च कर देना है एंड डाउनलोड कर देना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना है एंड वहां पर आपको सर्च कर देना है कैपकट एप्लीकेशन। जैसे आप सर्च कर देंगे वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कर देना, ओपन कर देना। अब आपको यहां से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे ओपन कर दोगे अब यहां से आपको क्या कर लेना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहां से आपको 14 सेकंड का वीडियो डाउनलोड कर देना है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आपको ये वीडियो डाउनलोड कर देना है, ऐड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर दोगे ये वीडियो ऐड हो जाएगा। अब आपको यहां से लास्ट में जाना है। लास्ट में आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट कैपकट से, उसे सिलेक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है इजीली। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, यहां से आपको स्प्लिट कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट आपको स्प्लिट कर देना है। तो कैसे करना है, आपको सिंपली आपको यहां पर टाइमिंग शो कर देना, तो आपको 9 सेकंड पर आ जाना है। 09 तो 09 सेकंड पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको एरो शो कर रहा हूँ, तो 0.1 सेकंड पर आपको आ जाना है। यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, स्प्लिट कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है 5.5 सेकंड का, तो आपको क्या करना है, इसे आपको सिलेक्ट कर देना है एंड आपको यहाँ से डाउन साइड में डिलीट वाला ऑप्शन शो कर रहा है ना, उस पर आपको इजीली क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे वो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाएगा एंड आपका जो मेन पार्ट है तो उसकी लेंथ आपको मैं बता देता हूँ कितनी है, 9.1 सेकंड आपको रख देना है जो फर्स्ट वाला पार्ट है। बस आपको इतना कर देना है, आपको मैं ड्यूरेशन भी बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कर देना है, वीडियो पर क्लिक कर देना है, डाउन साइड में वॉल्यूम वाला ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाली वीडियो की वॉल्यूम आपको 0% कर देना है याद से, क्योंकि ये डबल ऑडियो सुनाई देगा। अब आपको क्या कर देना है, सिंपली वहाँ पर आपको छोटा सा प्लस वाला दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फोटोज वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ से आपके 4 फोटोज आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ऐड करना है। तो आपको टोटल 4 फोटोज ऐड कर लेना है, ऐड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर दोगे तो 4 फोटोज ऐड हो गए इजीली। अब यहाँ से आपको डाउन साइड में फॉर्मेट वाला ऑप्शन शो करेंगे, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, आपके जितने भी फोटोज है मतलब आपके 4 फोटोज है, तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, आपके फोटोज को सिलेक्ट कर देना है, जूम कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो आपको क्या कर लेना है, फुल स्क्रीन कर देना है 2 फिंगर की हेल्प से। इसे आपको फर्स्ट सिलेक्ट कर देना है, 2 फिंगर की हेल्प से इसे जूम कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही आपको बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से क्या कर देना है, ऐड ऑडियो दिख रहा है ना आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वही वीडियो सेलेक्ट कर देना है जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर दिया था। बस आपको सेलेक्ट कर देना है, उसकी ऑडियो ऐड हो गई है, ऑडियो पर आपको क्लिक कर देना है, मैच आउट वाला ऑप्शन शो करेगा डाउन साइड में, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको बीट लगा देना है, तो ऐड बीट वाला ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आपको टाइमिंग शो करूँगा कहाँ कहाँ लगा देना है। तो फर्स्ट वाली बीट आपको लगा देना है 0.9 सेकंड पर। अब सेकेंड वाली बीट आपको लगा देना है यहाँ पर, तो आपको मैं बता देता हूँ, टाइमिंग शो कर रहा हूँ आपको इजीली, तो आपको यहाँ पर ही लगा देना है। तो आपको लगा देना है सेकेंड वाली बीट 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड बोलते हो 0.10 सेकेंड। एंड थर्ड बीट लगा देना है 0.11 सेकेंड। एंड फोर्थ बीट आपको लगा देना है यहाँ पर 0.12 सेकेंड। एंड आपको लास्ट बीट लगा देना है 0.14 सेकेंड पर। बस आपको इतने लगा देना है, देन आपको यहाँ से टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए आपके ऐड हो गए, यहाँ पर भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो आपको लगा देना है 0.13 सेकंड पर, बस आपको इतना ही लगा देना है। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, वीडियो केयरफुली वॉच कर लेना है। तो आपकी फर्स्ट वाली फ़ोटो पर आ जाना है एंड आपको यहाँ से क्या कर देना है, एक बीट मार्क छोड़ देना है एंड सेकेंड वाले बीट मार्क के अकॉर्डिंग आपको ट्रिम कर लेना है। अब आपको सेकेंड वाले फ़ोटो पर आ जाना है एंड आपको एक बीट मार्क छोड़ देना है, मतलब जो आपका सेकेंड वाली फ़ोटो फर्स्ट वाली फ़ोटो का जितना था ना उससे छोड़ देना है। एंड आपको क्या कर लेना है, थर्ड वाले फोटो के अकॉर्डिंग आपको ट्रिम कर लेना है। अब आपको थर्ड वाले फोटो पर आ जाना है, यहाँ से आपको थर्ड वाले बीट मार्क के अकॉर्डिंग ट्रिम कर लेना है। एंड आपको लास्ट वाले उस पर आ जाना है, लास्ट वाले आपको जितनी आपकी ऑडियो है ना उतना आपको ट्रिम कर लेना है। बस आपको इतना ही कर देना है, केयरफुली आपको वीडियो वॉच कर लेना है, तभी आपको समझ जाएगा। बस आप जैसे इतना कर दोगे परफेक्टली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है,
आपको यहाँ से आपकी जो फर्स्ट वाली फोटो है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे डाउन साइड में आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जैसे ही एनिमेशन पर क्लिक कर रहे हो नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएंगी, वो वीडियो को वॉच कर लेना है। एंड आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर पिन कमेंट मिल जाएगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएंगी, बस आपको वो वीडियो वॉच कर लेना है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी नो इंटरनेट कनेक्शन वाली। तो अब आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो देन आपको यहाँ से क्या कर लेना है, कॉम्बो वाला ऑप्शन आपको शो करेगा थर्ड वाला, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन शो करेंगे, तो आपको यहाँ से लगा देना है सेकंड वाला एनिमेशन वेव एंड स्लाइड। बस आपको एक पर लगा देना है, जो फर्स्ट वाली फोटो ना उस पर लगा देना है, सेकंड वाली फोटो पर भी आपको यही लगा देना है, थर्ड वाली फोटो पर भी आपको यही लगा देना है वेव एंड स्लाइड वाला, बस आपको फोर्थ वाली फोटो पर ये लगा देना है, सब फोटोज पर आपको यही एनिमेशन लगा देना है। तो चलिए गाइस आपका वीडियो रेडी हो गया, आपको वीडियो प्ले कर कर बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए तो देखिए गाइस आपका वीडियो 110% एकदम परफेक्टली मैच हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड साथ ही आपको बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना है, ऑल पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए आप इसे सेव कैसे करते हैं, सिंपली आपको राइट हैंड साइड पर टॉप में एरो वॉल ऑप्शन शो कर रहा है ना, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट में आपको डन पर क्लिक कर देना है, ये इजिली गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।